टीवी इंटरव्यू में सीएम योगी का बदनवानी पर करारा हमला, कहा बदनवान लोगों पर डंडा नहीं चलेगा तो क्या आरती उतारू इनकी। सीएम योगी ने कहा यूपीएससी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, पिछले सरकार में डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए घूस दी जाती थी। सिक्योरिटी के मसले पर बोले सीएम योगी, बेटियों को यूपी में महफूज पाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी 5 साल की साधना सार्थक हुई। हुब्बुल वतनी के मुद्दे पर बोले सीएम योगी, बगैर हुब्बुल वतनी के कोई काम चलेगा ही नहीं, बीजेपी का अहम एजेंडा है हुब्बुल वतनी, तरक्की और सुशासन। सीएम योगी ने कहा बुंदेलखंड को 70 सालों से पानी की एक बूंद के लिए कितना तरसाया गया, जो काम 70 साल में नहीं हुआ 5 साल में हमने करके दिखाया। अपोजिशन पर सीएम योगी का तीखा हमला, कहा बुंदेलखंड में एसपी बीएसपी यहां के माफियाओं को असेंबली और पार्लियामेंट पहुंचाने का पाप करते थे। उन्होंने कहा यूपी के सीतापुर में पीएम मोदी की आवामी रैली में यूपी सरकार बीजेपी सरकार लगातार काम कर रही है और इसका मतलब है कि दंगे पर कंट्रोल है और माफियाओं पर कंट्रोल है। पीएम मोदी ने कहा एसपी की सरकार में ख्वातीन महफूज नहीं थी, जबकि यूपी में बीजेपी की सरकार में ख्वातीन महफूज है, वो देर रात तक अपने घरों से बाहर निकल सकती हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह ने अपोजिशन जमातों पर कसा तंज, कहा लक्ष्मी जी केवल कमल के फूल पर बैठकर आती है, न कि साइकिल चलाते हुए और न ही हाथी पर बैठकर और न ही हाथ हिलाते हुए आती है। बीजेपी लीडर महेंद्रनाथ पांडे का अखिलेश यादव पर तंज, कहा शेख चिल्ली वाले सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी के किठौर में एसपी लीडर के जुलूस में लहराए गए इलीगल तमंचे, एसपी उम्मीदवार शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश के इस्तकबाल में हुई फायरिंग। एसपी लीडर के जुलूस में हथियारों के साथ डांस और इस्तकबाल में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, किठौर असेंबली इलाके का वीडियो। जालौन में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अब गरीबों को मिल रहा है राशन, मोदी योगी की जोड़ी ने गरीबों को दिलाया उनका हक और मकान। बीजेपी रुकने पार्लियामान ब्रजभूषण का अखिलेश यादव पर तंज, कहा राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा होता था, बाकी बेटों और भाइयों को गुजारा भत्ता मिलता था। यूपी के फिरोजाबाद में अखिलेश यादव का आवामी जलसा, खिताब में बोले अखिलेश यूपी में बीजेपी को हराना है, बीजेपी ने किसानों को परेशान किया है। हमले पर बोले एसपी सिंह बघेल, अखिलेश यादव गुंडे के सरदार हैं, समाजवादी पार्टी के अवाम में जनता हमेशा उनसे डरी रहती है। एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमले पर बोले अखिलेश यादव, हार के डर से बीजेपी खुद हमले करवा रही है। अखिलेश यादव ने कहा ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बीजेपी की सरकार है, हमले के वक्त पुलिस कहां थी, सेंट्रल सिक्योरिटी उनके साथ होती है, वो कहां थी। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा सपने में वो हवाई एक्सप्रेसवे या मेट्रो की सवारी करने ना चले जाए, बाबा जी का ध्यान रखें। अखिलेश यादव ने कहा जिसका झूठा वादा उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद झांसी में किया था, इस बार बुंदेलखंड के आवाम धोखा देने वालों को खंड खंड कर देगी। चुनावी तस्वीर में अब भूत ने लिया एंट्री, कन्नौज में बोले अखिलेश यादव 7वें मरहले के बाद बीजेपी के बूथों पर भूत ही नजर आएंगे, लोग नहीं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पहले और दूसरे मरहले के इंतखाब के दौरान ही समाजवादी पार्टी इत्तेहाद ने सीटों की सेंचुरी लगा दी है। अखिलेश ने कहा कन्नौज की हिमायत मिली तो बीजेपी इतने पीछे छूट जाएगी कि 7वें मरहले तक उनके बूथों पर भूतों के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। कन्नौज में अखिलेश ने लोगों से की अपील, कहा बाबा सीएम को सबक सिखाना है, वर्दी उतारने वालों का नशा उतारना है। आवामी रैली के दौरान अखिलेश ने पुलिस वालों को रैली के दौरान धमकाया, कहा तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई नहीं हो सकता। बुंदेलखंड के जालौन में कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ का बीजेपी पर तंज, कहा चाय बेचने वाले ने पूरे मुल्क को बेच दिया।
कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, बिना हाथ के साइकिल नहीं चलती, जिसकी भी सरकार बनेगी कांग्रेस की मदद से बनेगी। यूपी के कानपुर में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी का रोड शो में हामियों की भारी भीड़, लोगों ने घरों के छतों से बरसाए फूल। गर्मी वाले बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी पर तंज, कहा मौसम वैज्ञानिक है योगी जी, पूरी दुनिया को जाकर बताएं बदलाव की वजह। ओवैसी ने कहा अजीत सीएम है योगी जी, अपने रियासत की बात नहीं करते, बंगाल कश्मीर की बात करते हैं।